माय गॉड। यार आज का मौसम ना इतना अच्छा है, अच्छा क्या यार, ना तो गर्मी है ना सर्दी है, और हवा भी बहुत तेज नहीं है, बहुत धीरे भी नहीं है, मतलब नॉर्मल चल रही है। इधर भी देखो, ये जो नीचे ब्लैक साइड का ये जो पट्टी दिख रही है ना ब्लैक, ये पॉल्यूशन है रियल में, ये कानपुर का पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन। और उसके बाद क्योंकि यहाँ से जो ए टू जेड थी उसकी चिमनी तक नहीं दिख रही, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। और उसके ऊपर देखो हल्का सा है जो ऑरेंज कलर का है, ये सूर्य की लाली मार। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय वीड एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। मैं अभी जस्ट सो के उठा, कल वाली वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ जो कि आपने कल देखी होगी, क्योंकि ये वाली वीडियो आ रही है 9 को, और जो 8th को अपलोड हुई थी, 8th को आप लोगों ने देखी थी वीडियो, वो अभी अपलोड हो रही है। तो मैं बाहर आ गया इधर पे निकल के पीपल के पास, ताकि वो वाली वीडियो अपलोड हो सके, क्योंकि यार काफ़ी स्लो इंटरनेट इसमें चल रहा है घर पे, और जियो ने तो बिल्कुल मतलब नाक ही कटा दी है, उसकी तो ख़त्म ही हो गई नाक, ख़त्म, टाटा बाय बाय जियो की नाक तो बिल्कुल ख़त्म। यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब अच्छा बहुत लग रहा है यार, मतलब ठंडी ठंडी सी हवा है, ठंडी भी नहीं है गर्म भी नहीं है, बहुत मस्त लग रहा है, अमेजिंग व्यू, अमेजिंग थिंग्स। ये प्लॉट्स वगैरह इधर पे अगर किसी को खरीदने वरीदने हो कानपुर में तो बता देना, दिलवा देंगे हम। और देख रहे इतना सुबह में कहीं सब सन्नाटा ही पड़ा हुआ है, कहीं एक कुत्ता तक नहीं मिलेगा। टोनी भी उधर कहीं घर पे पड़ा हुआ है, वो भी बाहर नहीं घूम रहा। आज तो ऐसे मंडे है, तो आज बस सब कुछ शुरू से स्टार्ट होगा, और स्कूल अब करना है अपने को, तो आज तो बस आज भी भाग दौड़। कल मज़ा आया, काफ़ी काम किया, लेकिन कल वाली वीडियो काफ़ी छोटी थी, उसमें लगा मैं कि दिखाऊंगा क्या डेली ब्लॉग्स में। अभी तो मैं सीख रहा हूँ यार डेली ब्लॉग्स करना, ये मेरा अभी लर्निंग प्रोसेस है। मैं डेली ब्लॉग्स करते ही कहाँ था यार, करता होता तो अब तक तो मैं सौरभ जोशी को पार कर देता, क्रॉस था, क्योंकि मैं ब्लॉग्स कर रहा हूँ 8 अक्टूबर 2018 से। फूल दिखाओ मेरे अच्छे अच्छे सफर कैसा है ये सफर, स्पार्क्स वाले शूज़ मैंने भी पैक करके रख दिए हैं, क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो गया था उनको पहनते पहनते, तो मैंने सोचा चलो मैं इनको पहन लेता हूँ। ये टुडे है लखानी का है, मे बी है ना, एक सेकेंड, ये किसका है, लखानी का नहीं है, ये टवेरा का है, ठीक, ये मैंने सोचा चलो मैं यही पहन लेता हूँ, लेकिन यार अभी इनको हटाना पड़ेगा क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे, सही नहीं लग रहे है ना, तो मेरे को अभी निकालने पड़ेंगे। वैसे इनमें कुशन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है यार, कुशन अंदर वाला बहुत अच्छा है, और लेकिन यार स्पार्क्स की बराबरी कहाँ से पसंद आता है ये, तो उसके लिए सोचना ही, बट चलो अभी सैंडल पहनते हैं। चेहरे में नहीं, हम कुछ नहीं करवाते हैं। अरे नहीं ठीक है, मान लिया तुमने बनाई है, अच्छा बना, बहुत बढ़िया। तुम अपनी दिखाओगे ड्राइंग, भास्कर तुमने बनाया है, दिखाओ आगे, वाओ नाइस, दूर चलो सभी यहाँ से, हाँ बोलो, चाली आर यू हियर, आने के बाद नाश्ता पानी करके हम तो सो गए थे, मतलब लंच वगैरह करके सो गए थे।
कल अभी इधर गए थे सुशांत की दुकान साइड में, मतलब जहाँ भैया का ढाबा है उधर ही सुशांत की एक दुकान है, तो मैं उधर गया था ठीक है। तो बंदा उधर पे मिला ही नहीं, फिर ऐसे ही खाली में वापस जा रहा हूँ घर पे। देखते हैं यार, मतलब इसमें दिन नहीं कट रहा यार। तो सोच रहा है जिम विम ज्वाइन कर लेगा शाम को, कोचिंग पढ़ाने में मेरा मन लगता नहीं, तो मैं कन्फर्म होगी मैं पढ़ाऊँगा नहीं। ट्राई करते हैं, शायद मिल जाए कोई क्लासेस, लेकिन मिला तो भी सही है, ना मिला तो भी सही है। तो मैं कॉल रिसीव करता हूँ, ठीक है, मिलता हूँ घर पहुँच के। ये लैया और नमकीन को मिक्स किया था, ये जो कि मेरा काफ़ी टाइम से खाने का मन था, तो ऐसे ही रखा रहने देते हैं। ये अप्पे मेकर रखा है इधर पे, सुबह से क्या अभी धुल के रखा गया। इसमें आलू उबल रहे हैं, यस। अभी मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, देखना ये आलू से बनता क्या है। एक्चुअली भाप दिख रही है, यस। अभी एकदम शाम हो गया, मतलब और कुछ खाने का मन भी नहीं है, तो काफ़ी सारा पेट भरा हुआ है, तो भी देखते हैं क्या कर। तो आई जस्ट वेंट टू टेक सम बॉइल्ड एग, बिकॉज आई नो दैट आई नीड सम प्रोटीन फॉर माई बॉडी, माई मसल्स टू गेट ग्रो अप। और पता है जब मैं बाइक ले गया था तो यार यहाँ से ये एक पोल खड़ा है, ठीक है, ये एक पोल है जो कि सपोर्ट देता है मेरे रूम के बाहर की जो टीन है उसको, इस पोल के और ये इस तुलसी के बीच, इधर से बाइक निकालना ना काफ़ी टिपिकल पड़ जाता है मेरे लिए। मैं गेट बंद कर दूं, देख लेता हूँ शायद नज़ारा दिख जाए कोई घर के बाहर। लाइट्स वगैरह तो बंद है अभी, सुबह भी चलते हैं फिर चाह बैठते हैं। तो खाने खाने की मेरी बिल्कुल ही इच्छा नहीं। मम्मी खाने में क्या बना रही हो? परेठा? मेरे लिए सिर्फ एक परेठा, थैंक यू। अपना मैंने ऑर्डर लगा दिया है कि मेरे लिए सिर्फ एक परेठा। लाइट ऑन करता हूँ यार। तो बस यार, मतलब आज का ऐसे ही पता है, जो मैंने जादू दिखाया था ना अभी बच्चों का वीडियो में अपने पहले तो मुझे लगा यार ये सच में, मतलब अचानक से मैं यार चौंक गया, मुझे मतलब यार सच में अंदर तक रूह मेरी कांप गई यार, रियली कैसे ऐसा, मतलब उसने एक तो वर्ड भी ऐसा बोलता है, चार्ली आर यू हियर, मुझे लगा सच में आत्मा है क्या, जो ऐसा पेंसिल घूम गई है उसकी तरफ। अच्छा, बाद में एक बच्चे ने बताया छुट्टी होने के बाद सर उसने फूंक दिया था प्रखर ने, देन आई गॉट टू नो यार, ओ माय गॉड, इट वॉज द मैजिक बिहाइंड द सीन्स यार। तो हमेशा ऐसे होता है यार। हाँ, कानपुर में अभी ओपी शर्मा जादूगर का वो लगा हुआ है, मतलब इसमें यहीं पे चल रहा है उनका शो, तीन शो लगते हैं, एक 45 से, फिर 3:45 से, फिर 6:30 से कुछ। मैं सोच रहा हूँ ट्राई करूँ क्या, 50% डिस्काउंट वाला टिकट भी है मेरे पास, तो आई जस्ट थॉट टू गो देयर एंड देखते कभी ये प्लान सक्सेसफुल हो पाता है, उनका शो ना कहीं ओवर हो जाए। मेरे पिछली बार जब उनका शो लगा था लास्ट ईयर, मतलब शायद 2018 में या 17 में, तभी मेरी मम्मी के स्कूल से टूर गया था, मैंने सोचा था मैं भी यार जाऊंगा, लेकिन यार कभी हो ही नहीं पाएगी मैं ओपी शर्मा का जादू देख पाऊँ। अभी देखते हैं, 50% डिस्काउंट पे है टिकट्स, एक 300 की है, एक 500 की है, एक 700 की है, उस पर अगर मुझे डिस्काउंट मिलेगा 300 वाले पे, मैं 150 रुपये में चला जाऊंगा। तो 300 रुपये बस यही होता है, एकदम बालकनी वाली सीट मिली एकदम पीछे साइड में, जहां से आपको जादू दिखता भी नहीं, जहां से आप गौर से देख भी नहीं सकते, तो ऐसा कुछ मिलता है। तो हे गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर देना इस वीडियो को, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए तो लाइक कर दो, और बस मिलते हैं आपसे कल सुबह 8 बजे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।